नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। एसपीएनआई न्यूज में आज बात करेंगे प्रियंका गांधी की। जी हां, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उसकी मौजूदगी प्रियंका गांधी के साथ हुई। देखिए, ये वही प्रियंका गांधी हैं जो यूपी चुनाव का कार्यभार नहीं संभाल सके थे। हम सब ने देखा कि जिम्मेदारियां तो उठाई लेकिन उसका सक्सेस नहीं मिला, उनका रिजल्ट नहीं मिला। अब प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग क्यों हुई है ये मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले ये आपको बता दूं दर्शकों को, हम सब ने देखा कि कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर चला लेकिन कोई भी चिंता दूर होते हुए नजर नहीं आया। क्या बातें हुई, किस मुद्दे पे बात हुई, कुछ नहीं आया। जानकार सिर्फ यही करते रहे, पत्रकार मीडिया महोदय यही बताते रहे सिर्फ आशंकाओं के आधार पर कि शायद पीएम मोदी यानी कि मोदी सरकार से कैसे मुकाबला करेंगे, इस बात पे बातचीत की जाएगी, जो अंतर्कलह उसको दूर की जाएगी और बाकी कांग्रेस मजबूत कैसे हो इस बात पे जो है बातचीत करेगी। लेकिन ये सब चीज होता हुआ दिखा नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग बोलते हुए चिंतन शिविर में यही नजर आए, बीजेपी पे हमला करते नजर आए। लेकिन उसके बाद से फिर से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, भाई साहब अब किस लिए? ये इसलिए हो रहा है कि जमीन से कैसे जुड़े नेता, जमीन समझ रहे ना, जी हाँ, दिल्ली से कैसे जुड़े, इसके लिए जो है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कांग्रेस हार के बाद कर क्या रही है, क्या प्लान बना रही है, क्या तरीके अपना रही है, समझना बेहद मुश्किल हो गया है। चिंतन शिविर में कहा गया कि ग्राउंड पे जाने की जरूरत है, तो कब तक मीटिंग होता रहेगा? 5 राज्यों में हार के बाद भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही बातें कही गई थी कि सिर्फ ग्राउंड पे काम करना है, जमीन से जुड़ना है। भाई जुड़ोगे कब, उतरो तो सही। इतनी महंगाई, मुद्दे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है, सरकार तो इतने मुद्दे दे रही है, मुद्दे लीजिए, पकड़िए, धरना देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तभी लोगों का दिल जीत पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे। क्योंकि वाकई में आज इस नए भारत में जिन लोगों को महंगाई नहीं दिख रहा, जिन लोगों को बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, वो उनको नए भारत मुबारक हो। लेकिन इसी नए भारत में, इसी नए हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी गरीब आवाम हैं, ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो आज उबले हुए आलू खाने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि महंगाई से वो पूरी तरह से परेशान हैं। लेकिन उन बेशर्म नेताओं को दिखेगा भी नहीं क्योंकि एसी का हवा तो वो खा रहे हैं और देश की गर्मी तो गरीब झेल रहा है बेचारा। देखते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी में जो बैठक हुई है और दिल्ली जमीन से जुड़ने की बात की गई है, कितना सफल होता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएनआई न्यूज़। नमस्कार।